दोस्तों ये है जो पहले चक्की हुआ करती थी जंजरा, तो उसके पत्थर देख सकते हो आप लोग दोनों। मैं जा रहा हूँ गाय खाने के लिए और मेरी नज़र पड़ी ठीक कन्नू पे। और अरे बेवा, हाँ ठीक जा, धूप लगी हुई है और साथ भी ना तगड़ा गर्म हो रहा है, मतलब मैं बताऊँ की हालत बहुत खराब हो रही है। फिर बोलना अभी नहीं आए ब्लॉग ये दोस्तों। अभी के टाइम पे मैं पानी भर रहा हूँ और आजकल गांव में देखो पानी बहुत कम आ रहा है। ये देखिए आप लोग, मैंने लगा रखा है बर्तन पानी भरने के लिए। तो दोस्तों क्या हालचाल हैं आपके, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी दोस्तों एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपसे दोस्तों का मेरी इस प्यारी सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। भूमता खंड की खूबसूरत खेतों से और खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों अभी मैं हूँ खेत में और जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है खेत से। तो जय हो सूर्य भगवान। तो देख सकते हो दोस्तों दूर दूर पहाड़ों में सुंदर सी धूप आ चुकी है और सुंदर सा मौसम बना हुआ है। तो आजकल बढ़िया सा मौसम हो गया है। तो बारिश आने के बाद ना दोस्तों मैं आ गया था खेतों में गोबर डालने के लिए। तो यहाँ हमने मंडुआ बोया हुआ है, तो मंडुए के ऊपर मतलब गोबर डालना भी बहुत ज़रूरी होता है यहाँ की खाद कूद, तो इसलिए मैं आया था। तो ठीक, मैंने वहाँ गोबर डाल दिया है। दोस्तों जो आज वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है खेत से। तो अभी मैं आ गया था खेत में गोबर डालने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ मंडुआ बोया हुआ है तो उसके ऊपर ना गोबर डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो बारिश तो अभी हुई है दो तीन दिन में, तो तभी देखिए आप लोग पीछे अभी कुछ नहीं हुआ है, जबकि हल लग गया था, एक महीने होने वाला है हल लगाए हुए यानी फसल बोए हुए। तो यहाँ बारिश नहीं हुई थी जिसकी वजह से अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों घर और आप लोगों को बीच बीच में कुछ जो चीज़ देखने लायक होगी वो दिखाऊँगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना। देखिए गाँव का नज़ारा और गाँव की खूबसूरती, तो नीचे से ऊपर तक दिखाऊँगा ना आप लोगों को। तो देखिए आप लोग ठीक हमारा गाँव, छोटा सा गाँव, और यहाँ ठीक सामने दिखोगे ना आप लोग नीरज लोगों का घर, ये बीच में जहाँ आजकल काम चल रहा है। तो एकदम उसके जो पठाल पुटाल हैं सारे निकाले हुए हैं, तो इसलिए खाली खाली सा लग रहा है। तो अभी मैं हूँ सीला में और यहाँ से आप लोगों को अपने गांव का नज़ारा दिखा रहा हूँ। खूबसूरत वादियों के बीच और खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ हमारा छोटा सा गांव। मैं जा रहा हूँ गाय खाने के लिए और मेरी नज़र पड़ी ठीक कन्नू पे। ओए लड़ाई करना चाहिए उसके साथ, लड़ाई करना चाहिए ये चल मेरे साथ चल गाय खाने। दोस्तों ये है जो पहले चक्की हुआ करती थी जंजरा, तो उसके पत्थर देख सकते हो आप लोग दोनों। तो जब चक्की नहीं हुआ करती तो इसी से आटा नहीं कि गेहूँ गूँ पिसा जाता था, तो ये रख दिए हैं मैंने यहाँ पे संभाल के। मुझे बढ़िया बढ़िया। ओ चा मिले हैं गोबड़े गिलास का चा, ए गरम हुई गरम, ये मरक दूँ, ये मरखी वाह मुड़ रहे हमी चाय पे वाह। हाँ ठीक जा बोड़ा को बोड़ा पता नहीं पाओ बाद में मालूम। तो दोस्तों लगभग 1:30 बज चुकी हैं और खाने खाने का भी टाइम हो चुका है। तो मैंने आज सुबह से ना कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ना दोस्तों धूप इतनी तगड़ी हो रही है ना दिन में, मतलब जो मैंने जब स्टार्टिंग की उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, बहुत तगड़ी धूप हो रही है जिसके कारण दोस्तों ना वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। दोस्तों अभी खाने खाने का टाइम हो रहा है यानी कि लंच करने का। तो आज माँ ने बना रखा है साग, क्या साग आज मूला मूला आलू। तो दोस्तों आज माँ ने बना रखा है मूली की थिंचोड़ी और आलू की थिंचोड़ी मिक्स किया हुआ है उसमें ना। तो आजकल ना खेतों में लोगों के ना मूला बहुत हो रखा है, इसलिए माँ ने ना मूली की थिंचोड़ी बना रखी है और साथ में चावल। तो आप लोग जरूर आइए गांव में मूली की थिंचोड़ी खाने के लिए। ये देखिए आप लोग दोस्तों दिन की बज चुकी हैं लगभग
3 और मुझे जाना पड़ रहा है फिर से काम पे, इस दिन दोपहरी काम पे। तो बहुत ही तगड़ी धूप लगी हुई है और साथ में इतना तगड़ा गर्म हो रहा है, मतलब मैं बताऊँ कि हालत बहुत ख़राब हो रही है। पर कहे क्या, काम तो काम होता है, चाहे गर्मी हो बारिश हो जाना पड़ेगा। तो आजकल मैं लगा हूँ रोज़गार करने पे। तो दोस्तों मैं ना सुबह वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि ना बहुत ही तगड़ी गर्मी हो रही है तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है और धूप में तो और भी ज़्यादा नहीं करता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, जो कल परसों बारिश हुई थी उससे थोड़ा सा इन पर जान आ गई थी, फिर से धूप होने की वजह से ना देखिए एकदम सूखे सूखे लग रहे हैं धान के खेत। और बाकी गाँव की चड़कताल देखिए आप लोग, कितनी तगड़ी धूप लगी हुई है यहाँ देखिए आप लोग, ठीक सामने तक एकदम भरमान से लग रहा है पूरा जंगल। दोस्तों तो दोस्तों अभी के टाइम में ना भाभी जी धो रही हैं कपड़े, क्योंकि ये सुबह से इनको टाइम नहीं मिलता है तो इसे शाम को धो रही हैं। और यहाँ बगल पे दिखाऊंगा ना आप लोगों को, तो भाई जी बना रहे हैं मसाला, यहाँ देखिए आप लोग। तो भाई ने मसाला तो बना दिया है, बाकी दोस्तों जो हमने अभी मसाला बनाया है सीमेंट रोड़ी और रेत का, तो हमें ठीक ऊपर देना पड़ रहा है चौक से ठीक ऊपर, जहाँ चाचा जी और भाई जी लगे हुए हैं काम पे गट्टा डालने पर। और यहाँ नीचे ना भाभी जी अभी भी धो रही है कपड़े लगातार, भाभी जी सुबह से आज। अच्छा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम रेलिंग के ऊपर गट्टा डाल रहे हैं, क्योंकि रेलिंग दूसरे दिन उड़े ना और चादर चुदर जो भी डालेंगे उड़े ना, तो इसके सपोर्ट के लिए यहाँ से लेकर लास्ट तक गट्टा डालना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग गट्टे को फैलाया जाता है। तो मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। तो 7:30 का टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं और मैं वहाँ भी घर से पीछे वाले खेत पे, तो मैं इधर की साइड गया हुआ था पानी डालने के लिए पौधों में, और थोड़ा सा इधर डाल दिया है मैंने नीचे। यहाँ देखिए आप लोग एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी 7:30 बज चुके हैं दोस्तों, रोज़ की तरह मैं अभी अपने घर के पीछे वाले खेत में हूँ और यहाँ मैं अभी पानी डालने आया था पीछे, यानी कि 2 डब्बा लेके, यानी आजकल ना पानी की बहुत कमी हो रही है, तो अभी मैं 2 डिब्बे लेके आया था पहले यहाँ पानी डालने के लिए, और अब इन दोनों डिब्बों को लेके जाऊँगा मैं ठीक पंधेरे पानी लेने के लिए। तो आज छुट्टी बहुत देर में हुई हमारे काम की, तो इसलिए थकान भी बहुत लग चुकी है और रात भी होने वाली है, तो पहले धारा चलते हैं, ठंडा ठंडा पानी लेके आएंगे धारा से और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाया जाता है। फिर बोलना गाइस व्लॉग आ गया, अभी नहीं आए व्लॉग, तो थोला भाई फोन चुकी हैं घर। हेलो ये ए कपाल है मिलने के बड़ा कौन हूँ मैं, अरे चलो क्या क्या हो रहा है तुम्हारे देर धुन में, तब कुछ नहीं हो रहा है, गर्मी ठंड और पैदा है नीचे काफल खाने को नीचे मैं कल बिजनती को ओ चल ठीक है मिलना था मैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और पंधेरे जाते जाते मतलब टाइम हो चुका है 7:40 हो चुकी हैं और अंधेरा बहुत हो चुका है, देख सकते हो आप लोग किस चीज़ की चर्चा चल रही है तुम्हारी तब है, यहाँ धमकी दी जा रही है मेरे को और अभी डाला है पानी भिगेरा मेरा। तो दोस्तों ये मुझे धमकी दे रहे हैं मेरे चैनल को बंद करा देंगे। ये दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पानी भर रहा हूँ और आजकल गांव में देखो पानी बहुत कम आ रहा है,
तो ये देखिए आप लोग, मैंने लगा रखा है बर्तन पानी भरने के लिए, और पानी भरना पड़ रहा है। तो मेरे पास है दोस्तों अभी के टाइम पे बड़ी वाली टॉर्च, जिससे दोस्तों मैं देखो रोज़ खेतों में देखता हूँ कहीं बाघ भूग ना हो। तो अभी दो चार दिन पहले की बात है, यहाँ पर दो बाघ थे, तो उस दिन लाइट नहीं थी ना ही फ़ोन में और टॉर्च में चार्ज था। तो उस दिन बारिश बहुत खतरनाक हो रही थी, इसलिए दो दो बाघ घूम रहे थे। और आज फिर से गाँव में, दूसरे गाँव में एक बकरी को बाघ ने खाया है, मतलब मारा है, मतलब उसको दाड़ा हुआ है। तो ये टॉर्च इतनी खतरनाक टॉर्च है ना दोस्तों, यहाँ से देखिए ठीक नीचे तक सब कुछ दिख जाता है दोस्तों। ये ऐसी टॉर्च है ना जिससे दूर दूर सारा दिख जाता है। देखिए आप लोग भी इसका फोकस देख सकते हो, तो ये थोड़ा सा चार्ज भी कम है, पर इसका जो फोकस है ना बहुत ही तगड़ा है। तो जब लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन के टाइम पर जब मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करता था, उस टाइम से ना दोस्तों हमने यहाँ से ना दो तीन बाघ ना भगाए थे, मतलब दो तीन दिन लगातार हम बाघों को भगा रहे थे यहाँ। तो इस बार तो कम ही दिख रहे हैं, पर हैं जरूर बाघ। और हमारा घर तो ऐसी जगह में है जहाँ में ना बाघ की ना बहुत ज़्यादा डर है। तो हुआ ये कि दोस्तों जो हमारी इधर वाली लाइट है ना, ये भी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों, जो बाथरूम में लगाई हुई थी, तो इसका भी जो वो है बल्ब बुल्ब सारे पता नहीं क्या हो गया है लाइट को, हमने तार डाली हुई थी जी दोस्तों। तो आजकल दोस्तों गर्मी के कारण हमें ना अपनी बकरियाँ और गायें भी बाहर रखनी पड़ रही हैं जब तक हम खाना खाते हैं, देख सकते हो आप लोग। ओए बिरू 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 ओए इधर। तो ये देखिए हमारा बुकटिया, इसकी जो दाढ़ियाँ देखिए आप लोग, दाढ़ी। अरे देखिए दोस्तों अभी भी रात के जो 10 बज गए ना, तो देखिए माँ पानी का इंतज़ार करती हुई कि कब पानी आए, कब मैं सकड़ों में डालूँ आणु च। चल तो देखिए आप लोग एकदम आवाज़ सुन सकते हो आप कीड़ों की, तो कीड़ों की आवाज़ आ रही है और माँ डाल रही है अभी सकोड़े में पानी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि दिन भर हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है आजकल, तो इसलिए रात को जब सब जगह बंद हो जाता है तब पानी आता है हल्का फुल्का। बाकी आवाज़ सुनिए आप लोग, चल माँ